फिर से आपके लिए सुबह का ताजा अनाज मंडी का अपडेट लेके आ गया हूँ। साथ में सरसों का भाव भी जानने वाले हैं। वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को हमारा सब्सक्राइब करें डेली इसी तरह से सबसे पहले अनाज मंडी का अपडेट पाने के लिए। हरियाणा मंडी से शुरू करते हैं। इलाहाबाद अनाज मंडी में आज दोस्तों यहाँ पे मूंगफली का भाव 3800 रुपये क्विंटल से 4700 रुपये क्विंटल तक। कपास का रेट रहा है दोस्तों 6400 रुपये क्विंटल से 7000 रुपये क्विंटल तक। ग्वार का भाव 4800 रुपये क्विंटल से 5455 रुपये क्विंटल तक। सरसों का भाव 7000 रुपये क्विंटल से 7235 रुपये क्विंटल तक। इलाहाबाद की मंडी में मंडी आदमपुर की बात करें तो यहाँ पे आज सरसों का भाव 7310 रुपये क्विंटल। ग्वार का प्राइस रहा है 5524 रुपये क्विंटल। सिरसा कृषि मंडी की बात करें तो यहाँ पे आज दोस्तों नरमा यानी कॉटन का जो भाव रहा है 8461 रुपये क्विंटल। ग्वार का भाव रहा है 5400 रुपये क्विंटल। सरसों का भाव रहा है 7350 रुपये क्विंटल। 1401 धान का भाव रहा है 3531 रुपये क्विंटल। अब बात करें अगर फतेहाबाद मंडी की तो यहाँ पे आज नरमा का अधिकतम बोरी लगी है 8200 रुपये क्विंटल। कपास का अधिकतम बोरी लगी है 5900 रुपये क्विंटल, सॉरी दोस्तों 6900 रुपये क्विंटल। भट्टू कला मंडी की बात करें तो भट्टू कला मंडी में सरसों का जो भाव रहा है 7500 रुपये क्विंटल रहा है। शिवानी मंडी की बात करें तो ग्वार का भाव रहा है 5650 रुपये क्विंटल शिवानी मंडी में, और सरसों का जो रेट रहा है 7475 रुपये क्विंटल रहा है। नोहरनाथ मंडी की बात करें तो यहाँ पे आज दोस्तों कपास का रेट 6900 रुपये क्विंटल रहा। भूरा तिल का भाव रहा 4600 रुपये क्विंटल। आज यहाँ पे चना बिका दोस्तों 4780 रुपये क्विंटल। तो वहीं गए आज यहाँ पे हनुमानगढ़ मंडी में। आज सबसे पहले हम जानेंगे नरमा का जो बोली लगा है 8200 रुपये क्विंटल से 8677 रुपये क्विंटल रहा है। संगरिया अनाज मंडी की बात करें तो संगरिया अनाज मंडी में आज दोस्तों ग्वार का भाव रहा 4000 रुपये क्विंटल से लेके 5635 रुपये क्विंटल तक। श्री गंगानगर अनाज मंडी की बात करें तो यहाँ पे आज नरमा का भाव रहा है 7500 रुपये क्विंटल से 8601 रुपये क्विंटल तक। तो सरसों का भाव रहा है 7150 रुपये क्विंटल से 7759 रुपये क्विंटल तक। गोलू वाला मंडी की बात करें तो सरसों का भाव रहा है गोलू वाला मंडी में 7481 रुपये क्विंटल। गेहूँ का भाव रहा 1900 रुपये क्विंटल। धन्यवाद।